वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन के दम पर अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के द्वारा दिए गए 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत बेहद अच्छी रही और उन्होंने पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी की। पुणे के मैदान में आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। कीवी टीम पिछले दोनों मुकाबले हारकर इस मुकाबले में उतरेगी और हार की हैट्रिक से बचने के इरादे से प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा। शाहीन अफरीदी ने तंजीद हसन को LBW आउट करके इतिहास रच दिया। इसके साथ ही शाहीन ने अपना सबसे तेज 100वां विकेट भी हासिल कर लिया। शाहीन ने 51 मुकाबलों में ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शाहीन तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नेपाल के संदीप लिमिछाने हैं, उन्होंने 42 मुकाबलों में ये कीर्तिमान स्थापित किया। अफगानिस्तान के राशिद खान ने 44 मुकाबलों में 100 विकेट पूरे किए थे। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने शानदार करियर पर बात करते हुए कहा है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि आज जहां पर मेरा करियर है इतनी ऊपर मैं पहुंच पाऊंगा। इसके लिए ईश्वर ने मेरी मदद की है। उसके बाद मेरा प्रदर्शन और मेरा सपना था कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वो सब सच हो गया। पहले से कोई अपने करियर को लेकर कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन ये सब खेल आगे बढ़ने के साथ ही होता रहता है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज करार दिया है। वसीम अकरम ने कहा है कि बुमराह इस समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें देखना मजेदार है। नई गेंद के साथ इस तरह की पेस प्राप्त करना सबसे लाजवाब है। बुमराह एक पूर्ण गेंदबाज है। अफगानिस्तान ने धमाकेदार अंदाज में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्ला शहीदी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को जीतने के लिए 242 रनों का टारगेट दिया, जिसे अफगान टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह, शहीदी और उमर जई ने बेहतरीन 50 जड़ी और टीम को जीत दिला दी। श्रीलंका को अफगानिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही लंकाई टीम वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। श्रीलंका ने वनडे वर्ल्ड कप में अभी तक 43 मुकाबले हारे हैं। दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम है, जिसने 42 मुकाबले हारे हैं। 37 हार के साथ इंग्लैंड की टीम तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक सिर्फ विराट कोहली और स्टीव स्मिथ ही लगातार 5 बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाने में कामयाब हो सके हैं। स्टीव स्मिथ ने वनडे वर्ल्ड कप 2015 में और कोहली ने वनडे वर्ल्ड कप 2019 में लगातार 5 बार 50 प्लस स्कोर बनाया था। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में प्रथम निशंका 46 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ वे मौजूदा वर्ल्ड कप में लगातार 5 50 प्लस स्कोर बनाने के रिकॉर्ड से चूक गए। इस मैच से पहले वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार 4 बार 50 प्लस स्कोर बनाया है। अफगानिस्तान के खिलाफ हार के बाद श्रीलंका टीम भी सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है, जिसमें उसके 6 मैच में 4 हार के साथ केवल 4 पॉइंट्स है और उनका नेट रन रेट भी -0.275 का है। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है और उनका नेट रन रेट भी -0.387 का है। पाकिस्तानी टीम को 2 स्थान का नुकसान हुआ है और 6ठे नंबर से 7वें नंबर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने विश्व कप 2023 के बीच में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार उनके खिलाफ हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे। इंजमाम इस साल अगस्त में चीफ सिलेक्टर बने थे। उन्होंने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तानी टीम चुनी थी। न्यूजीलैंड की टीम के हेड कोच गैरी स्टीड ने केन विलियमसन की वापसी पर कहा है कि विलियमसन कल टीम के साथ अभ्यास करेंगे, ताकि हम इन चीजों का अंदाजा लगा सकें कि वह इस मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं या नहीं। प्रैक्टिस के बाद हमें पूरी तरह से उनकी वापसी को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। विलियमसन के अंगूठे पर सीधा थ्रो लग जाने की वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन फिर से उन्हें चोट की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा।